और अब जो ये ट्रैक्टर है ना भाई, इसको ना फोर व्हील ड्राइव कर दिया है भाई भाइयों ने। जो पहले का कलर है इसको उतार करके और दोबारा इसके ऊपर जो है सैंड ब्लास्टिंग के से इसके ऊपर कलर किया जाएगा भाई। ठीक है, चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। इसके अंदर पंप के अंदर देखिए भाई, चेंज कर दिया यहाँ पर, डायफ्राम पंप इसके अंदर लगाया है। तो किसान भाई और राम राम भाई सभी को, मैं हूँ दिनेश सिहाग और आप देख रहे हैं क्रेजी ट्रैक्टर्स। तो भाई इस वक्त मैं आपके लिए एक ट्रैक्टर लेके आया हूँ भाई, किर्लोस्कर का ट्रैक्टर है, आप देख सकते हैं, D4006K, यानी कि D4006K। इसके अंदर भाई ये ना जॉइंट वेंचर होता था ये डूजफार का और किर्लोस्कर का, ठीक है। और अब जो ये ट्रैक्टर है ना भाई, इसको ना फोर व्हील ड्राइव कर दिया है भाई भाइयों ने। ठीक है, मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पर और आगे का हिस्सा आप देखिए, इसको फोर व्हील ड्राइव के अंदर कर दिया भाई। ठीक है, और पीछे का हिस्सा भी इसके अंदर ना भाई चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं पीछे के हिस्से को। इसके अंदर जॉन डियर का जो 50-50D का जो हिस्सा था वो हिस्सा इसके अंदर अटैच कर दिया भाई। तो इसकी पावर भी इससे बड़ी हो जाएगी और पीछे का हिस्सा है ना जो इसका मैकेनिज़्म बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में एक चेंज इसके अंदर ये किया है भाई, इसकी आप ये देखिए फ्यूल टैंक देखिए इसका, ये भी इन्होंने खुद यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, खुद ही बनाया है ये और बना करके इसका फ्यूल टैंक भी चेंज कर दिया। और पूरा इंजन आप देखिए, पूरा ट्रैक्टर पूरा एकदम भरा हुआ लगेगा, कहीं से भी आपको इस तरह से नहीं लगेगा कि ये ट्रैक्टर भाई किसी तरह से इसको जुगाड़ करके बनाया है। ठीक है, और बिल्कुल ओरिजिनल जो इसकी ना शो है वही इसके अंदर रखने का इरादा है भाई। ठीक है, और आगे के टायर मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर टायर लगाए हैं भाई आगे के, वो मैं आपको बता दूँ, 8320 के आगे के टायर लगा दिए भाई। उसके बाद में ये जो वेट है जॉन डियर का भी आगे वेट इसके अंदर दिया है। और ये देखिए भाई, यहाँ का जो ये चूल्हे वाला हिस्सा है ना, ये भी यहाँ पर चेंज कर दिया भाई। ठीक है, पूरा हिस्सा चेंज कर दिया जिससे ट्रैक्टर की जो ना वेट है वो आगे का वेट बढ़ गया है। उसके बाद में आगे प्लेटें भी लगाई है, ये भी भाई इसका वेट जो है ना बढ़ा देंगी। उसके बाद में इस तरफ भी मैं आपको दिखा दूँ, कुछ और चेंजेस इसके अंदर कर दिए हैं भाई। ये देखिए, ये यहाँ पर ना टेंडम पंप लगा दिया है, यानी कि दो पंप इसके अंदर लगा दिया है। अब इसको पावर स्टेयरिंग कर दिया है एक तो, ठीक है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग का ये सिलेंडर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लगा हुआ, और एक पंप तो भाई पावर स्टेयरिंग के लिए हो गया और दूसरा पंप इसके हाइड्रोलिक यानी कि पीछे लिफ्ट वगैरह के लिए हो गया। इससे इसकी लिफ्ट कैपेसिटी भी बढ़ गई है भाई पहले से। ठीक है, और उसके बाद में क्लच की बात करें तो भाई ये डबल क्लच के अंदर है, एक जो पैर वाली क्लच है वो यहाँ है, और ये देखिए इंडिपेंडेंट PTO क्लच इसके अंदर यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये भाई हाईलो के अंदर हो जाएगा। और इसके अंदर भाई इसका रिवर्स गियर आप देख सकते हैं, हाईलो वाले लीवर के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाई। उसके बाद में ये ट्रैक्टर के यहाँ पर गियर है इस तरह से। दूसरी तरफ चलते हैं, इसके अंदर एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, जो कि किर्लोस्कर के अंदर जो है नहीं होती थी भाई। और ये देखिए इसके अंदर ना डिफरेंशियल लॉक वगैरह पूरी जो है ना 2023 मॉडल ट्रैक्टर के अंदर जो भी चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर लगा दी गई है। ठीक है, वैसे ही ये ट्रैक्टर लगभग 89 मॉडल है भाई। ठीक है, काफ़ी पुराना ट्रैक्टर है और इसको भाई पूरे जो फीचर है वो अब जो 2023 मॉडल ट्रैक्टर के अंदर आते हैं भाई, वो इसके अंदर आपको फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक है, और आपको कैसा लगा ये ट्रैक्टर और इसके अंदर जो चेंजेस हो जाएंगे, अभी इसके अंदर काफ़ी चीज़ है और भी लगाने की वाली इसके अंदर अभी बाकी है। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर पंप के अंदर देखिए भाई चेंज कर दिया, यहाँ पर डायफ्राम पंप इसके अंदर लगाया है ताकि भाई ये ना कहीं भी किसी भी हाल में जो है चक्कर ना तोड़े, इसलिए इसके अंदर ये डायफ्राम जो है ना पंप इसके अंदर लगा दिया भाई। ठीक है, जो कि काफ़ी शानदार बात है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अभी इसके अंदर ना काफ़ी मॉडिफिकेशन होना बाकी है। ठीक है, अब देख सकते हैं टंकी का ढक्कन देखिए वही सेम ही रखा है। इसके जो ओनर हैं उनका कहना है कि भाई इसको जो ना ओरिजिनल जो शेप आती थी उसी के अंदर रखना है, इसकी शेप में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ठीक है, शेप वही रखी जाएगी, इवन इसका जो टंकी बनाई है यहाँ पर, फिर भी इसका ढक्कन भी वही सेम उसी जगह रखा गया है जो किर्लोस्कर ट्रैक्टर के अंदर आता था भाई। ठीक है, तो काफ़ी पुराने ट्रैक्टर को एकदम नया बना दिया गया भाई। ठीक है, आगे लाइटें वगैरह लगने वाली है और इसके बाद में इसका जो बोनेट है वो भी सिंगल पीस कर देंगे भाई। यहाँ से देखिए इसको एडजस्ट किया गया एक बार, तो उसके बाद में इसको ना सिंगल पीस बोनेट कर देंगे जो किर्लोस्कर के अंदर नहीं आता था। अब जो ट्रैक्टर आते हैं उसके अंदर सिंगल पीस बोनेट आता है भाई। ठीक है, वही सिंगल पीस बोनेट इसके अंदर कर दिया जाएगा भाई। और पीछे के टायर मैं आपको दिखा दूँ, रेडियल टायर है, रेडियल टायर के नंबर की खिंचाई में काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ जाएगा। ये देखिए भाई रेडियल टायर के नंबर जो है आप देख सकते हैं, इस नंबर के रेडियल टायर इसके अंदर लगा दिया भाई। ठीक है, BKT के बढ़िया टायर लगाए हैं। उसके बाद में इसका पायदान है वो भी ऊपर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जॉन डियर वाला सिस्टम यहाँ पर लगा दिया गया है। उसके बाद में ये स्टेयरिंग है ये भी चेंज कर देंगे भाई, इसको ना एडजस्टेबल जो टिल्ट करने वाला जो जॉन डियर के ट्रैक्टर के अंदर और जितने भी बड़े ट्रैक्टर आते हैं जैसे न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर आते हैं उन ट्रैक्टरों के अंदर जो सिस्टम लगा होता है स्टेयरिंग एडजस्ट करने वाला वही इसके अंदर लगा दिया जाएगा। और यहाँ भाई डैशबोर्ड जो होगा उसको डिजिटल कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो ये एक बारी तैयार हो रहा है अभी, बाकी इसके अंदर और जो है मॉडिफिकेशन होने वाले हैं तो उसकी जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो उसकी पूरी वीडियो बना करके डालूंगा मैं। इससे पहले मैंने इसकी वीडियो
बना करके डाली थी जब ये बिल्कुल खुला हुआ था, वो भी अपने चैनल के ऊपर पड़ी है भाई, आप वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। और आपको कैसा लगा ये ट्रैक्टर? अभी आधा तैयार हुआ है, इसके अंदर कलर वगैरह अभी इसको दोबारा किया जाएगा, ठीक है। ये इसका जो पहले का कलर है इसको उतार करके और दोबारा इसके ऊपर जो है सैंड ब्लास्टिंग से इसके ऊपर कलर किया जाएगा भाई, ठीक है। तो पूरा ट्रैक्टर बढ़िया है इसके अंदर तैयार कर दिया जाएगा। सीट देखिए अभी फ़िलहाल ऐसे ही लगाई रखी हुई है, इसको लगाई नहीं है, सीट भी इसके ऊपर एडजस्ट करनी है। और सीट के अंदर भी देखिए यहाँ पर सीट बेल्ट वगैरह दिया जाएगा भाई, ठीक है। और इसको पूरा चेंज कर दिया जाएगा, अभी और भी इसके अंदर चेंजेस होंगे। तो आपको कैसा लगा यह ट्रैक्टर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मडगार्ड वगैरह बाकी पड़े हैं इसके लगाने वाले, और आप भी मुझे ज़रूर बताना है कि इसके अंदर और क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे कि ये ट्रैक्टर और भी शानदार लगे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।